एक्चुअली गाने बहुत अच्छे और मैम के साथ मौका मिला, प्राची बंसल थपकी, छोटी थपकी जो हिचकती है, तो उत्तराखंड की वादियों में सॉन्ग किया है हर्षित, और बहुत ही प्यारा है, राइटिंग भी किया है उसमें, और इसमें मनीष मौर्या, नदीम और प्रशांत टीम हमारी जो बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने काम किया और अच्छा लगता है। मेरा फर्स्ट सॉन्ग है हिंदी, लेकिन बहुत उससे सीखने को मिला, मैडम ने भी काफ़ी सिखाया, एक्टिंग अभी की नहीं है शुरुआत, लेकिन करूँगा, अच्छा करूँगा, बेटर करूँगा इससे। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा, बाकी मैडम बोलेगी, अब देखते हैं। जैसे कि मैं दिल तोड़ के ना जाना, क्या कुछ कहना चाहोगी, कितनों का दिल तोड़ा है अब तक, क्या कितनों ने आपका दिल तोड़ा था? दिल है तो टूटते रहते हैं, सो दैट इज नॉट अ बिग डील, बट मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, लाइक रीबर्थ और इमोशंस भी है इसमें, और एज गैप होने के बाद भी देयर इज लव, तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी और टीम बहुत अच्छी थी, मतलब इट वाज फन शूटिंग, तो और अच्छा भी आया, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है, रियली लाइक इट। सुप्रिया क्या कहना चाहोगी, कितना अच्छा सॉन्ग लगा, क्या लगता है यू या कौन से जनरेशन के लोग हैं जिसे गाने को ज्यादा पसंद करते हैं? सो बेसिकली ये गाना तीनों जनरेशन के लोग पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक पास्ट लाइफ दिखाई है जो कनेक्ट होगा जो 90s एंड 80s के लोग हैं उनको, एंड यूथ को भी, बिकॉज द मॉडर्न लाइफ दिखाया हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स हमारे सोहन दाई है, तो पूरे उत्तराखंड को बहुत पसंद आने वाला है ये गाना, एंड हम चाहेंगे कि मुंबई भी उनको उतना ही प्यार दे। ऑल्सो द शूट वॉज वेरी वंडरफुल, आप सभी लोगों ने फुटेज भी देखा, इट हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटिफुली, जो स्टाइल है, फर्स्ट टाइम सर शूट कर रहे थे बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस था उनमें एज एन एक्टर, एंड दैट केम आउट वेरी वेल, द टीम वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सो आई थिंक एवरी वन इज गोइंग टू गिव इनफ लव एंड केयर फॉर द सॉन्ग। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अब आपने इसे शूट भी किया, क्या लग रहा है, आपने जो चाहा था वो? बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था, एक्चुअली उससे भी अच्छा बन गया है, तो मैंने इमेजिन किया था, जैसे मैंने बताया मैं तो फिर वहाँ पर किसी की वजह से नहीं जा पाया था, लेकिन सबने इतनी मेहनत की है, जो भी रिजल्ट देखा तो मुझे वही लगा, जो शायद मैं होता तो इतना अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन जो मैंने इमेजिन किया तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया, सबकी मेहनत दिख रही है, और सोहन भाई जी स्क्रीन पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। स्टोरी तो ऐसा पहले कहा बना था, तो एक आइडिया दिमाग में आया था, तो मैंने मनीष भाई से शेयर किया, तो उनको पसंद आया, स्टोरी पूरी बनी, सोहन जी को मैंने सुनाया तो उनको भी पसंद आया, उन्होंने उस पर भरोसा किया और वो जो स्टोरी है उसको यूज किया और बहुत बढ़िया गाना बना। बेसिकली मेरा नाम नदीम है, मैंने इस गाने की सिनेमेटोग्राफी की है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोकेशन इतनी प्यारी है, बस कैमरा ऑन करो सब अच्छा दिखता है वहाँ पे, तो और सोहन सर बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत फ्रेंडली थे, जिसकी वजह से ईजिली हमें शूट करने को मिला, और गाना बहुत ही अच्छा था, तो उसी हिसाब से सिनेमेटोग्राफी की जैसा गाना था, मूवमेंट्स उसी हिसाब से लिए, और सबने अच्छा काम किया, मज़ा आया काम करने में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यूज बढ़ाओ आप लोग। जैसे आपके क्या कुछ आपके साथ में नहीं, सब लोगों ने मेहनत करी है, मैं अकेला तो नहीं था, सब टीम वर्क थी, प्रशांत भाई थे, मनीष भाई थे, सुप्रिया थी, और सोहन भाई का खुद का भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें, और बहुत पैशनेट थे उसमें, स्टोरी में और उसमें हर चीज़ में, सब लोग का धन्यवाद देता हूँ मैं, भाई का थैंक यू वेरी मच, जो सबको इतना बड़ा लेकर के चल रहा है भाई, मनीष भाई, सोहन भाई, सुप्रिया, हम सब लोग टीम वर्क है, जावेद भाई इधर DOP बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच सब लोगों का। मेरा नाम प्रशांत है, आई एम प्रोडक्ट दिस सॉन्ग, बेसिकली ये गाना बहुत मेरे लिए अलग था, बिकॉज सोहन जी का इंटेंशन इस गाने के लिए, यहाँ पे आई बहुत सारी तकलीफ भी आई, बिकॉज स्केड्यूल बहुत, हमने एक टाइट शेड्यूल था हमारा, बट उसमें बारिश भी आई, बजट का भी इशू है ना, बट सोहन जी ऐसे थे, नहीं यार कुछ नहीं करो, एक दिन बढ़ने दो और बढ़ने दो, सो बहुत दिल खोल के उन्होंने काम किया है, और बहुत अच्छा लगा, और टीम बहुत इम्पोर्टेंट है सब चीज़ के लिए, और सर वो कुरेफ है ना, तो जो साउंड भी नहीं होता सर, सब कुछ हमारा, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मजा आया काम करने,
डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। अपनी इंडियन वादियाँ बहुत सारे लोकेशन जो देखे हैं उनको नया कुछ देखने मिलेगा, वो पर्पज भी था उनका। मनी जी का सोनू जी का विश्वास है जिसको लोगों ने मेरे स्टूडियो में ब्रांड डायरेक्शन भी बनाना मैं नहीं जा पाया कुछ मॉडल की वजह से। शूटिंग में मैं नहीं था, अब लोगों ने जरूर देखा काम बढ़िया मनी जी की शुक्रिया मैडम की एंड सोना जी सबसे सबकी मेहनत है। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके टीम वर्क जैसे उसमें स्टोरी स्क्रीन प्ले कोरियोग्राफी क्रिएटिव डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है और अपने एक अच्छे डीओपी हो अच्छे लाइट मैन हो तो अच्छी टीम हो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। तो हमें टीम इम्पॉर्टेंट है पहले, टीम अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे कहना देखते बहुत सारे प्रोड्यूसर बॉम्बे में आते हैं काफ़ी पैसा खर्चा करके बनाते कुछ वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होती क्योंकि उसमें टीम बहुत जरूरी है और जेन्युइन टीम जो रियली कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कॉमन वाले तो मैं पहले एक्स्ट्रा रिली मूवी चल सकते हैं अगर कुछ बड़ा करना है क्योंकि आज टेंटली काफ़ी कॉम्पिटिशन भी है काफ़ी कंटेंट अच्छे बन रहे हैं तो हमें वो मेहनत करनी है। मैं सारे टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा जो सभी लोगों ने मेहनत की है इसमें पसंद आएगा काफ़ी मेहनत है।